नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। इस समय लगभग 3:15 बजने को आए। 17वीं लोकसभा की मतगणना बहुत तेजी से जारी है। कुछ परिणामों के बारे में मैं अब आपको बता दूं। अगर बात की जाए, एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला परिणाम वो आ रहा अमेठी से। राहुल गांधी यहां पर 261,477 वोटों की अभी तक गिनती हुई है, जिसमें 115,772 वोट राहुल गांधी को मिले। वही स्मृति ईरानी को 128,479 वोट मिले। इसका सीधा सा मतलब है 13,707 वोट से राहुल गांधी अमेठी से पीछे चल रहे हैं। अभी 14:43 की मैं बात कर रहा हूं। वही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बता दूं, गुना से ज्योतिराज सिंधिया 7,77,052 वोटों की गिनती वहां पर अभी तक हो चुकी है, जिसमें से 13,17,598 वोट सिंधिया जी को मिले हैं। वहीं केपी यादव को 4,13,179 वोट मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है 96,581 वोटों से सिंधिया जी यहां पर पीछे चल रहे हैं। बात की जाए जबलपुर की, यहां पर राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका मुकाबला विवेक तनखा से था। यहां पर अभी तक 8,11,167 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 5,16,613 वोट विवेक राकेश सिंह जी को मिले हैं। वहीं विवेक तनखा की बात की जाए तो 253,343 वोट उनको मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है 273,250 वोटों से राकेश सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिंद की। सबसे पहले बात रीवा की, यहां पर अभी तक 3,19,345 वोटों की गिनती हुई है, जिसमें जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को 1,80,045 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस के हैं। ये पूर्व सांसद सुंदरलाल जी तिवारी के पुत्र हैं। इनको अभी तक 85,014 वोट मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है 95,031 वोट से रीवा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लगभग 1,00,000 के आसपास का आंकड़ा। बात की जाए सतना की, सतना में 6,07,185 वोट अभी तक गिने जा चुके हैं, जिसमें गणेश सिंह को 3,20,722 वोट मिले हैं। वहीं राजा राम त्रिपाठी कांग्रेस को 1,95,537 वोट मिले हैं। इसका सीधा सा अर्थ है 1,85,125 वोट से कांग्रेस यहां पर पीछे चल रही है। बात की जाए विंध्य की एक और सीट की, यहां पर कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल चुनाव लड़ रहे थे, उनका मुकाबला यहां पर रीति पाठक से था। अभी तक यहां पर 5,30,177 वोटों की गिनती हुई है, जिसमें रीति पाठक को 2,99,001 वोट मिले हैं। वहीं अजय सिंह राहुल को 1,63,080 वोट मिले हैं। इसका सीधा सा अर्थ है 1,35,921 वोट से अजय सिंह राहुल अभी तक पीछे चल रहे हैं। बात की जाए एक और हाई प्रोफाइल सीट मध्य प्रदेश की, वो है भोपाल। यहां पर अभी तक 7,57,952 वोटों की गिनती हुई है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 4,47,110 वोट मिले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को 2,89,535 वोट। इसका सीधा सा अर्थ है 1,62,535 वोटों से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। अगर मैं शहडोल सीट की बात करूं, तो यहां पर 8,91,154 वोटों की गिनती हुई है। यहां पर हिमांद्री सिंह को 5,54,160 वोट मिले हैं। हिमांद्री सिंह को मैं बता दूं, पिछले बार ये कांग्रेस में थी, इन्हें कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। इनका मुकाबला इस बार भाजपा से कांग्रेस में आई प्रतिमा सिंह से था। प्रतिमा सिंह को 2,53,985 वोट मिले। इसका सीधा सा अर्थ है 3,175 वोटों से हिमांद्री सिंह आगे। ये था मध्य प्रदेश की हाई पाई प्रोफाइल सीटों का हाल। और साथ ही में मैंने आपको दिल्ली का अमेठी का बताया। मैं 1 घंटे बाद आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन अपडेट के साथ। देखते रहिए रीवा दर्शन।